दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 शेयर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले शेयर्स का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से एक बहुत ही शानदार अपडेट आते हुए हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको बताया कि आईटी सेक्टर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमें TCS का रिजल्ट देखने को मिल चुका है। कल के दिन हमें इंफोसिस और विप्रो का रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ क्वार्टर 2 के रिजल्ट के पहले एक बड़ी पार्टनरशिप की न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप ट्रेडिंग चार्ट देखेंगे तो आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बावजूद और आप कॉरपोरेट अनाउंसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर 12 अक्टूबर 2021 यानी कि आज ही के दिन की एक बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। 12 अक्टूबर 2021 आज ही के दिन की ये अपडेट है, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड इंटर्स इंटू अ पार्टनरशिप विथ टेक फॉर सॉल्यूशंस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द USA। यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड ने टेक फोर्थ के साथ में एक शानदार पार्टनरशिप करी है और ये कंपनी जो है यानी कि टेक फोर्थ जो सॉल्यूशंस कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई है USA के अंदर। तो अल्टीमेटली इस न्यूज का इंपैक्ट आपको हैप्पीएस्ट माइंड की शेयर प्राइस के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी आपको हैप्पीएस्ट माइंड के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर 1 के रिजल्ट में हमें कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हुआ था। लेकिन जिस प्रकार की डील्स, जिस प्रकार की पार्टनरशिप हमें सेप्टेम्बर क्वार्टर में देखने को मिली है, डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैप्पीएस्ट माइंड के भी आने वाले हैं उसके अंदर शानदार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड को लेकर कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो कवर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपने ITC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर अब आप अपना लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आज के दिन भी आपको ITC लिमिटेड के अंदर 1 से 1.5% तक की शानदार रैली देखने को मिल रही है और साथ ही साथ पिछले एक महीने के अंदर ITC लिमिटेड का शेयर लगभग 12.5% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। ITC को लेकर भी यहां पर दो बड़ी अपडेट्स निकलकर आ रही है। इसमें सबसे पहली अपडेट्स की बात करें तो यस सिक्योरिटीज की तरफ से ITC लिमिटेड के नए टारगेट प्राइस यहां पर सेट किए गए हैं। अगर आपने ITC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो शॉर्ट टर्म पर्पज से आप इस शेयर के अंदर 250 रुपीज के यानी कि 250 रुपए के टारगेट लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट्स की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं, कैश मार्केट अ फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड इन ITC। तो यहाँ पर ITC के अंदर अब हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो इसका कैंडलस्टिक चार्ट पे मैंने भी आपके साथ कल शेयर करा था। इस शेयर के अंदर अब बहुत ही शानदार रैली आने वाली है और ये शेयर्स आपको 300 रुपये के लेवल से भी अबव यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने ITC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर इस रैली को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ITC लिमिटेड की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल कर आई है वो ITC के क्वार्टर 2 के रिजल्ट से रिलेटेड निकल कर आई है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें उसके पहले आप देख सकते हैं ITC का अगर आज का आप ट्रेडिंग सेशन भी देखेंगे तो आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर शानदार वॉल्यूम बेस्ड काम भी देखने को मिल चुका है। आज NSE के अंदर ITC लिमिटेड की 2,92,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 1,16,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। बात करें कि ITC के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट आपको कब देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 की डेट अनाउंस कर दी है। 27 अक्टूबर 2021 के दिन आपको ITC के क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट जैसे ही अनाउंस हो जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ITC के भी फाइनेंशियल नंबर्स की अगर बात करी जाए तो काफ़ी शानदार रिकवरी हमें सितंबर क्वार्टर के अंदर देखने को मिली है, जिस कारण से ITC के भी नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है IRCTC। जी हाँ दोस्तों, IRCTC की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि IRCTC के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये से लेकर 5,400 रुपये तक का टारगेट प्राइस इस शेयर के अंदर लेकर चल सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 4,750 रुपये का सपोर्ट आप इस शेयर्स के अंदर शॉर्ट टर्म पर्पज से लेकर चल सकते हैं।
आईआरसीटीसी की अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2021 आज ही के दिन की ये न्यूज निकल कर आई है, जो कि न्यूज 18 हिंदी की तरफ से यहां पर पब्लिश करी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी ने चलती ट्रेनों में खाने की रिकॉर्ड बुकिंग यहां पर की है। कोरोना से पहले की तुलना 1.5 गुना अधिक यहां पर हमें ये बुकिंग देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार न्यूज यहां पर ये आईआरसीटीसी की तरफ से हमें आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है फेस्टिवल सीजन यहां पर स्टार्ट हो गया है, जिसमें आईआरसीटीसी की तरफ से 1800 स्पेशल ट्रेन्स यहां पर चलाई गई है, और इन 1800 स्पेशल ट्रेन्स का जो बेनिफिट है वो आपको आईआरसीटीसी की शेयर प्राइस के ऊपर Q2 और Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजिशंस को होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि कल ही के दिन हमें आईआरसीटीसी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली थी, जिसमें आईआरसीटीसी ने अपने ऐप के थ्रू बसों की भी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर बस की भी बुकिंग आईआरसीटीसी के ऐप से कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप आईआरसीटीसी के जरिए जो खाना बुक किया गया है अगर उसका भी आप यहाँ पर डाटा चेक करेंगे तो 8 से 10 अक्टूबर के बीच में 32,000 खाना पूरे देश में आईआरसीटीसी के जरिए बुक किया गया है। सामान्य दिनों में यह बुकिंग 22,000 से 24,000 रहती है। देश भर में करीब 500 रेलवे स्टेशनों में ऑनलाइन बुक किया गया खाना चलती ट्रेनों में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो ये न्यूज निकल कर आ रही है ये आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप भी शेयर्स के अंदर स्प्लिट के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। स्प्लिट के बाद भी इस शेयर को लेकर क्या टारगेट और सपोर्ट लेवल निकल कर आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से कंटिन्यूसली अपडेट किए जाएंगे। दोस्तों बात करें अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी अपडेट समय यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं जेपी पावर के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम बहुत ही हाई देखने को मिलता है। कल के दिन भी इस शेयर्स के अंदर एनएसई और बीएसई में मिलाकर 45 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिली थी। वहीं आज के दिन एनएसई और बीएसई में मिलाकर लगभग 22 करोड़ क्वांटिटी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है कि जेपी पावर के अंदर एक बहुत ही बड़ी बल्क डील्स यहां पर रिकॉर्ड करी गई है, जिसके बाद अगर आपने भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जेपी पावर के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो जेपी पावर के जो जून क्वार्टर के फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे, नंबर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन इन सब के बावजूद जेपी पावर के अंदर कल हमें एक प्राइवेट फंड की तरह से लगभग 7,52,60,786 इक्विटी शेयर सोल्ड होते हुए देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर फंड प्राइवेट की तरफ से ये जो बल्क डील्स है ये हमें देखने को मिली है, जो कि 5.59 रुपये पर ये बल्क डील्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आपने भी जेपी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो थोड़ा सा अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये शेयर्स आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स तो बनाकर दे ही सकता है, लेकिन पेनी शेयर्स होने के कारण ये एक हाईली रिस्की शेयर्स की कैटेगरी में भी आता है। 3529 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, जिसके अगर मोमेंटम भी चेक करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी इसके हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पिछले एक महीने में यह शेयर्स लगभग 28% यानी कि 28% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जहां पर आपको आज के दिन स्प्लिट जैसी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेफलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक कंपनी है, जिसके अंदर आज के दिन आपको नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिल चुका है। और साथ ही साथ बोर्ड मीटिंग्स की अपडेट्स में आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए स्प्लिट यहां पर अनाउंस किया है। 28 अक्टूबर 2021 के दिन आपको शेफलर की तरफ से जो Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है कंपनी, उसके साथ में आपको यहां पर स्टॉक स्प्लिट जैसी बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी के कुछ की मेट्रिक पॉइंट्स की बात करी जाए तो शेफलर इंडिया लिमिटेड का बिजनेस भी आप यहां पर देख सकते हैं। शेफलर इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रीशियस रोलर एंड बॉल बियरिंग्स, इंजन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, चेसिस एप्लीकेशंस, क्लच सिस्टम एंड रिलेटेड मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, जो कि मशीनरी बनाने का काम करती है, जिस मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,828 करोड़ रुपए का है। पिछले एक साल के अंदर ये शेयर्स लगभग 75% से भी अबव के रिटर्न्स यहां पर बनाकर दे चुका है।
रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो लगभग 13.2% का इसका आरओसी, और आरओई की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 9.54% का यहां पर निकल कर आ रहा है, यानी कि कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देते हुए देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के ऊपर डेब्ट ना के बराबर है। एक लार्ज कैप कंपनी जिसके पास 3265 करोड़ रुपए के रिजर्व और सिर्फ 64 करोड़ रुपए की बोरोइंग से। साथ ही साथ अगर कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी आप देखेंगे तो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किए थे जिसमें बहुत ही शानदार तेजी हमें यहां पर देखने को मिली थी। तो नो डाउट अगर आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्प्लिट के बाद आप इस शेयर्स को खरीदने का मन बना सकते हैं। स्प्लिट की जैसे ही अपडेट्स यहां पर निकल कर आ जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।